12.25 लाख के कृषि अनुदान घोटाले में सकरावास के पूर्व सरपंच सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमंद की टीम द्वारा सकरावास के पूर्व सरपंच उदयलाल अहिर सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों को एसीबी की टीम ने उदयपुर स्थित एसीबी के विशेष न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि कृषि अनुदान में मुख्य रूप से अनियमितता हुई है। कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के अंतर्गत बूंद बूंद सिंचाई योजना, इसके अंतर्गत सभी किसानों को बूंद बूंद कृषि के तहत जो संयंत्र वितरित किए गए हैं उस पर कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के तहत उन्हें अनुदान दिया जाता है, और इसके तहत मुख्य रूप से जो कृषि विभाग में जो अनियमितता हुई इसकी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जो जाँच की गई उसके अनुसार यह है कि मुख्य रूप से कुल कृषि अनुदान 22,47,155 रुपये का अनुदान उठाया गया था, और एसीबी की जांच के अनुसार वास्तविक तौर पर जो अनुदान बनता है 10,20,032 रुपये ही बनता है। इस तरह से करीब 12,27,123 रुपये अतिरिक्त उठाए गए जो कि अवैध हैं। खास तौर से इसमें यह दिखाया गया कि किसानों की जितनी ज़मीन है उससे भी कई ज़्यादा जगह पर कृषि संयंत्र लगाने दर्शाया गया रिकॉर्ड में, और इस तरह से अनुदान उठाया गया क्योंकि किसानों के पास न तो इतनी ज़मीन थी और न ही फिजिकल तौर पर उनके खेतों में इतने कृषि संयंत्र बूंद बूंद सिंचाई के तहत लगे गए, लेकिन फिर भी कागज़ों में ज़्यादा संयंत्र दिखा कर ज़्यादा अनुदान उठाया गया। इस तरह से करीब 12,27,123 रुपये को राजस्व राजकोष को नुकसान पहुंचाए, साथ ही कतिपय 2 फर्मों को फायदा पहुंचाए हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब जानते हैं राजसमंद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक हिम्मत चारण क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। जो ड्रिप संयंत्र मामले में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें जो गिरफ्तारी हुई सरपंच, क्या पूरा मामला है? ये 2012-13 में एसीबी के संज्ञान में आया था कि कृषि जो ड्रिप कृषि विभाग राजसमंद के द्वारा जो बूंद बूंद सिंचाई के तहत है वो ड्रिप इरिगेशन के जो किट लगाए गए थे उसमें भौतिक रूप से ज़्यादा ज़मीन दिखाई जाकर उसमें वो संयंत्रों की जो है वो मात्रा और संख्या कम लगाई गई थी। इस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर 328/16 है वो प्रकरण दर्ज किया गया, और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कल हमारे द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक तो उस फर्म का जो मालिक है उदयलाल अहिर, बाकी 3 लाभार्थी रमेश, हीरालाल और कालू अहिर, इन चारों को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजवाने का आदेश प्राप्त हुआ। इसमें और कोई शेष आरोपी हो रहे हैं? इसमें अभी 4 आरोपी और शेष है, इनके अगेंस्ट भी है, वो हमारे द्वारा शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। ये बेसिकली रेलमगरा क्षेत्र में एक दो गांव है, उन गांवों से संबंधित मामला है, तो इसमें वो हमारे द्वारा एक्शन लिया गया है।